भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव मामले को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और इस मामले में अपने अपने दावों को सही बताते हुए DM से उचित निर्णय देने की बात कही। बता दें कि अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव का मामला काफी दिनों से चल रहा है, जबकि मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद जिला प्रशासन भी कानूनी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर हुई बैठक में DM ने जिला परिषद सदस्यों से उनका पक्ष जाना, पर इस दौरान 31 में से महज 29 सदस्य ही बैठक में शामिल हुए, जबकि 2 सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य संबंधित समस्या को लेकर बैठक में उपस्थित नहीं हो पाने की बात कही गई। बहरहाल जिलाधिकारी ने जल्द ही इस मामले का फैसला होने और जिले के विकास कार्यों में तेजी लाने एवं आगामी 23 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के लिए बैठक करने की बात कही। हालांकि वर्तमान अध्यक्ष के पक्ष द्वारा अधिक समय देने की मांग की गई, लेकिन जिलाधिकारी ने सभी 31 सदस्यों को उपस्थित होकर वोटिंग में शामिल होने की बात कही है। वहीं अध्यक्ष टुनटुन साह ने खुद पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित भी करना होगा। अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश है कि सभी सदस्यों को सुनना है, लेकिन 2 पार्षद हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिस कारण वो दोनों उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला परिषद क्षेत्र में विकास कार्य तीव्र गति से होगा और विपक्ष के द्वारा विकास कार्य को लेकर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर विरोधी पक्ष के जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश मंडल ने कहा कि उन लोगों के द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसका आधार भी कागजी तौर पर उन लोगों के पास है और जल्द ही वोटिंग के बाद सारी सच्चाई आम लोगों के सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की ओर से कई तरह की बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव को लंबा खींचा जा सके। बैठक आयोजित की गई थी, इसमें अटेंडेंस हुआ है, दोनों पक्षों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। आज ही जो बैठक का निष्कर्ष है उसको आदेश के रूप में आज ही जारी कर दिया जाएगा। फिर आप लोग सर, कितना जो आरोप लगाया था, क्या आरोप था और क्या साबित हुआ सर? अभी आरोप के संबंध में बैठक नहीं थी, जस्ट इस संबंध में बैठक थी कि इसमें जो भी पक्ष हैं जो अपना कुछ कहना चाह रहे हैं, राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी 31 में से 29 सदस्य उपस्थित थे, 2 सदस्य अनुपस्थित थे। मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने अपने उपस्थिति के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इसके बाद अभी हम लोग एक आदेश पारित करेंगे, पब्लिक प्रोवाइड करेंगे। दलील में अपने कही गई बातें, लेकिन वो बातें इन हाउस बातें होती हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र के रामपुर डी में बुधवार की देर रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा 4 घरों में चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें विनोद कुमार मिश्रा, निरंजन मिश्रा, मिंगेंद्र मिश्रा और भगीरथ ठाकुर के घर से लाखों रुपए के सामान, गहना एवं नकदी राशि की चोरी हो गई। बता दें कि विनोद मिश्रा के घर चोरी को अंजाम देने के बाद अन्य सभी घरों का ताला तोड़कर चोर अंदर प्रवेश कर गए थे, पर घर के सदस्यों को जगाते चोरों ने भागने में ही भलाई समझी और बाकी तीनों घर का ताला टूटने के बावजूद चोरी नाकाम रही। इसीलिए 3 घरों में चोरी नहीं हो पाई, सिर्फ ताला तोड़ा गया और बाद में ताला तोड़ने का हथियार भी मौके से बरामद किया गया। वहीं पीड़ित विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह जगने पर उसने अपने दोनों कमरे का ताला टूटा पाया। जब उसने कमरे में छानबीन की तो सभी सामान तितर बितर था, साथ ही नकद और गहना वाला बक्सा घर से गायब था, जिसे घर से लगभग आधे किलोमीटर दूर से बरामद किया गया। चोरों ने बक्सा खाली कर बक्से को सड़क किनारे फेंक दिया था। बता दें कि चोरों ने जिस कमरे में चोरी की, विनोद मिश्रा उसी रूम में सो रहे थे। सुबह आंख खुलने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने कहा कि रामपुरडी गांव में ऐसी चोरी पहले कभी नहीं हुई है। वहीं चोरी की खबर फैलने के बाद से पूरे इलाके के लोग सतर्क हो गए हैं। एक ही रात में 4 अलग अलग घर का ताला तोड़ना और एक घर में सफल चोरी को अंजाम देना भागलपुर पुलिस को खुली चुनौती है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सजौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कुछ देर बाद विधि व्यवस्था DSP मंगलेश कुमार सिंह भी पीड़ित के घर पहुंचे और अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। गुम हुआ है ऐसा चोरी, हमने किसी को देखे हैं तो किसी को नॉमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। दरोगा साहब बोले कौन कौन आपके घर में आता जाता था, तो हमारे घर में तो बहुत लेबर तेवर आता जाता है, बलिदार वगैरह सब है, 2-4-5 तो जो आता जाता है, हम सबका नाम लिखा दिए। विनोद कुमार मिश्रा।
राष्ट्रीय फलैलिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को जिला विक्टर बोन डिजीज नियंत्रण इकाई की ओर से भागलपुर सदर अस्पताल सभागार में मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान 10 फरवरी से शुरू होने वाली सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी और जिला वेक्टर बोन डिजीज नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ समेत मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। साथ ही इस तरह के कार्यक्रम का लाभ शहरी और ग्रामीण स्तर पर लोगों को मिल सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की भी बात कही गई। कार्यशाला में मादा क्यूलेशस मच्छर के काटने से फैलने वाले फालेरिया बीमारी और इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी विस्तार पूर्वक जानकारियां साझा की गई। वहीं बताया गया कि फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्र में एमडीए कार्यक्रम के द्वारा इसके रोकथाम के लिए उपाय किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मच्छरदानी का उपयोग करना, आसपास साफ सफाई रखना और मलेरिया से बचाव की दवा खाने की बात डॉक्टरों के द्वारा बताई गई। मौके पर कार्यक्रम समन्वयक रविकांत, जितेंद्र कुमार, राकेश समेत पीसीआई, सीफार, पीरामाल और स्वास्थ्य विभाग के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर शुक्रवार को लाखों शिव भक्त ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा अजगैबीनाथ धाम गुंजयमान हो गया। बता दें कि मिथिलांचल के लाखों कांवरिया मौन धारण कर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने पैदल व वाहनों से निकल पड़े। इसको लेकर नगर परिषद के द्वारा गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग, नाव की व्यवस्था एवं साफ सफाई की जा रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रियरंजन की है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखी। गंगा घाट चौक चौराहे एवं कच्ची कांवरिया पथ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही कांवरियों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जगन्नाथ का आशीर्वाद है और इतना भीड़ होता है फिर भी मैंने बाबा कृपा से सुख शांति से हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय स्थित आधार केंद्र के संचालक की मनमानी से क्षेत्र की जनता काफी आक्रोशित है। पिछले करीब एक सप्ताह से आधार केंद्र में ताला लटका हुआ है, जबकि प्रतिदिन दर्जनों लोग तथा छोटे छोटे स्कूली छात्र एवं छात्रा अपना फिंगरप्रिंट बदलवाने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग पिछले कई दिनों से 10 बजे आधार सेंटर पहुंच जाते हैं, परंतु शाम तक आधार सेंटर खुलता ही नहीं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि आधार केंद्र में फिंगरप्रिंट बदलने के लिए अवैध ढंग से 200 रुपए वसूला जाता है, जिसके पास 200 रुपए नहीं होते हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। वहीं कुछ स्कूली बच्चों ने बताया कि हम लोग विद्यालय में अनुपस्थित होकर आधार कार्ड का कार्य करवाने आते हैं, पर आधार केंद्र खुला नहीं रहने के कारण बिना आधार कार्ड का काम करवाए वापिस जाना पड़ता है। वहीं प्रखंड के प्रधान लिपिक शब्बीर आलम ने बताया कि मामले को लेकर उन्हें आवेदन दी गई है, इस पर आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर जगदीशपुर थाना परिसर में शुक्रवार को माघी काली और सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जगदीशपुर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर गणेश कुमार के द्वारा की गई। इस दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था मंगलेश कुमार सिंह और बीडीओ रघुनंदन आनंद की मौजूदगी में आम लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की गई। बैठक में सभी पंचायतों से आए प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूजा को लेकर अपना अपना सुझाव साझा किया तथा पूजा और विसर्जन के दौरान किसी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग न हो, इसको लेकर प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिलाया। साथ ही विसर्जन के दौरान डीजे व अश्लील गाना बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की निर्देश दी गई। मौके पर इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह, मुखिया अनिरुद्ध महतो, सरपंच विनोद यादव सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर पीरपैंती थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि मूर्ति बैठाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा विसर्जन में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाते पकड़े जाने पर संचालक के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। मौके पर पुलिस अंचल निरीक्षक अरुण कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी मनोहर कुमार, मुखिया अरविंद शाह, विवेकानंद गुप्ता सहित अन्य प्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद थे।